हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टी फूडी। आज हम पोहा की रेसिपी बताने जा रहे हैं। पोहा तो सभी को पसंद होता है, सभी के घरों में रोज ही बनता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पोहा बनाने के लिए हमने एक कप पोहा लिया है। आप इसे अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम पोहा को धो लेंगे और इसका गंदा पानी निकाल देंगे। देखिए, हमने पोहा को धो लिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रख देते हैं, तब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। पोहा बनाने के लिए हम कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा, हम इसमें राई डालेंगे। जब राई चटकने लगेगी, तब हम इसमें प्याज डालेंगे और इसे भी चलाएंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। इसके साथ ही हम इसमें मटर भी डाल देंगे, ताकि प्याज के साथ मटर भी अच्छे से पक जाए। हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, ताकि मटर में अच्छा सा टेस्ट आ जाए और मटर जल्दी से पक जाए। देखिए, अब हमारी मटर भी पक चुकी है। हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, इसे भी 1 मिनट के लिए चलाएंगे। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ी सी हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच धनिया पाउडर, अब इसे भी मिक्स करते हुए चलाएंगे। अब हम इसमें पोहा डालेंगे, पोहा को भी मिक्स करते हुए चलाएंगे। पोहा को इस तरह से चलाना है कि ज़्यादा टूटे ना, ऊपर की तरफ करते हुए चलाना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डालेंगे। नमक थोड़ा हमने कम ही डाला है, क्योंकि पहले मटर में भी डाल दिया था। आधी चम्मच गरम मसाला डालेंगे और मिक्स करते हुए चलाएंगे। इसमें आधी चम्मच चीनी भी डालेंगे, इससे पोहा में अच्छा टेस्ट आता है। इसे भी मिक्स करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें हरा धनिया भी डालेंगे, इसे भी मिक्स करेंगे। अब हमारा पोहा बनके तैयार है। अब हम पोहा में डालने के लिए बूंदी बना लेते हैं। ये हमने सादा वाली बूंदी ली है, हम इसे मसाले वाली बनाएंगे। थोड़ा सा सफ़ेद नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, इसे मिक्स करेंगे। देखिए, हमने पोहा को सर्व किया है। इसमें बूंदी डालेंगे और आलू भुजिया भी डालेंगे। इस तरह से बना के आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेल आइकन बटन को दबाकर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।